The next topic of this course is numerical integration, and of course we perform numerical integration to approximate integrals between two points using numerical techniques for integration. Again the same question, why need numerical integration if we already know the techniques to find integrals analytically? So answer is again simple. The first reason why we perform numerical integration is the function is not known but some data in tabular form is given. आपसे function फिर छुपा लिया गया है या function है ही नहीं, आप data note कर रहे थे tabular form में, आप time versus velocity data note कर रहे थे और आपसे distance पूछ लिया गया किसी point पे, तो of course आपके पास कोई function नहीं है जिसको आप integrate करके answer निकाल सकें फौरन से, तो आपको कोई techniques चाहिए होंगी tabular data से इंटीग्रेशन परफॉर्म करने की. और दूसरी रीजन अगेन, फंक्शन इम्पॉसिबल होगा या डिफिकल्ट होगा इंटीग्रेट करने का. चलिए, e की पावर x स्क्वायर बिटवीन सम फाइनाइट लिमिट्स, हम सबको पता है ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता. इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक x होना चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है, हमें समहाउ इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना e की पावर x स्क्वायर 0 टू 1. तो ये एनालिटिकली कोई टेक्निक नहीं है इसको इंटीग्रेट करने के लिए, तो हमें इसको न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करना होगा. सो हमारे पास दो केसेस बन जाएंगे, या तो गिवन डेटा टेबुलर फॉर्म में या कि गिवन कोई फंक्शन है जिसको हमने न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करना है. केस वन उसी तरह आपके पास इक्वली स्पेस डेटा होना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूलाज में भी स्टेप साइज यूज होगा और स्टेप साइज हम तभी यूज कर सकते हैं जब डेटा हमारा इक्वली स्पेस्ड होगा. तो इसकी एक एग्जांपल ये है कि आपके पास टाइम और उसका जो फंक्शन है वो वेलोसिटी दिया गया है और आपसे पूछ लिया गया है कि 1 सेकंड से 5 सेकंड तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. ऑफ कोर्स आपके पास ये वेलोसिटी दी गई है, 1 सेकंड पे ये थी, 2 पे ये थी, और आपसे 1 से लेकर 5 सेकंड तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ ओवरऑल. ऑफ कोर्स ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो डेटा टेबुलर फॉर्म में है और आपसे इंटीग्रेशन मांग ली गई है किसी की, क्योंकि डेटा आपका टाइम वर्सेस वेलोसिटी है और आपसे इस पर्टिकुलर इंटरवल के बीच 1 से 5 सेकंड के बीच डिस्टेंस डिमांड कर लिया गया, डिस्प्लेसमेंट डिमांड कर ली गई है. और सेकंड केस उस तरह आपके पास कोई फंक्शन है और आपने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है बिटवीन टू फाइनाइट लिमिट्स 0 टू 1 3 टू 6, कोई भी फंक्शन गिवन है. फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने e की पावर x स्क्वायर को कंसीडर कर लिया और आपने इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है. और इंटीग्रेशन अब आपने एनालिटिकली नहीं करनी, ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है. सो चलते हैं इस बात की तरफ के परफॉर्म करनी कैसे है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. हाउ टू परफॉर्म न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, बड़ा सिंपल सा आंसर है, दो तरह की मेजर फैमिलीज है, न्यूटन कोट्स फैमिली और गॉसियन क्वाड्रेचर फैमिली. इस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को मैं दो वीडियोस में स्प्लिट कर रहा हूँ. पहली वीडियो में सिर्फ न्यूटन कोट्स फैमिली पे फोकस करेंगे, उसके थ्रू हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे और कोड डेवलप करेंगे इसका, और जो दूसरा पार्ट बनाएंगे उसमें गॉसियन क्वाड्रेचर फैमिली को यूज करते हुए इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे और उसका फिर कोड डेवलप किया जाएगा. सो गॉसियन क्वाड्रेचर फैमिली को फिलहाल भूल जाते हैं और न्यूटन कोट्स फैमिली पे फोकस करते हैं. मेन जो न्यूटन कोट्स फैमिली में रूल्स आते हैं, ट्रेपेज़ॉइडल रूल, सिम्पसन रूल, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल, सब रूल्स अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं. इसकी डेरिवेशन की तरफ हम नहीं मूव कर रहे, लेकिन इंटीग्रेशन हमें पता है कि किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी हो बिटवीन टू फाइनाइट लिमिट्स, तो मतलब होता है कि उस फंक्शन की कर्व, ग्राफिकली उस फंक्शन की कर्व को देखा जाता है और उसके अंडर जितना एरिया आ रहा होता है वो फाइंड करने की तलाश में होते हैं. तो न्यूटन कोट्स फैमिली में हम नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम्स ड्रॉ करके वो एरिया फाइंड करने की कोशिश करेंगे. जितने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम्स होंगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे और जितने नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम्स को कम करेंगे उतने रिजल्ट डिफर होंगे एक्यूरेट रिजल्ट से. सो न्यूटन कोट्स फैमिली की तरफ आ गए, थोड़ा सा इन फॉर्मूलाज को कंपेयर करते हैं. ट्रेपेज़ॉइडल रूल में बाहर देखें तो h/2, h भी बताता हूं क्या ये स्टेप साइज होगा, इसको अगली स्लाइड में मैं जरा और
क्लियर करता हूँ, ट्रेपेज़ॉइडल रूल में बाहर h बाय 2 होगा, सिम्पसन रूल वन थर्ड रूल में बाहर h बाय 3 होगा, सिम्पसन 3/8 रूल में बाहर 3h बाय 8 होगा, और न्यूटन कोट्स फैमिली के इसके अलावा जितने भी फॉर्मूलाज होंगे उनके स्टार्ट और लास्ट पॉइंट जो होंगे वो फंक्शन की वैल्यू एट लोअर लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट अपर लिमिट होगी। इन सब में आप देख रहे होंगे फंक्शन की वैल्यू लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट। सो अंदर डिफरेंस क्या है, जो भी इंटरनल पॉइंट्स होंगे इंटरनल डेटा पॉइंट्स x1 x2 अप टू xn -1 ये कैपिटल n नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम है, इसको भी अगली स्लाइड में क्लियर करता हूं, उन सब पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज को फाइंड करके और उनका सम करके जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम ट्रेपेज़ॉइडल रूल में। सिम्पसन 1/3 रूल में हम अलग-अलग कर लेंगे, जो ऑड डेटा पॉइंट्स होंगे उन पे फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट करके सम करके उसका वेट 4 रखेंगे और जो इवन होंगे उनका वेट हम 2 रख देंगे, ये सिम्पसन 1/3 रूल हो जाएगा। और सिम्पसन 3/8 रूल में जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे x1 x2 x4 x5 x7 इनमें 3 का मल्टीपल कोई नहीं है, 3 6 और 9 नहीं है, उनका वेट 3 रखेंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे, और जो 3 के मल्टीपल होंगे उनका वेट हम 2 रख देंगे, ये सिम्पसन 3/8 रूल में होगा। और अगेन ये फार्मूला जादू से नहीं आए, ये आप इसके बिहाइंड थ्योरी पढ़ेंगे और जो साथ आप कोर्स स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर आप लोग इन फार्मूला की डेरिवेशंस को सीखेंगे कि ये किस तरह से डिराइव हुए हैं। हमारे सामने ये फार्मूलाज हैं और हमने इनको यूज करके ए टू बी किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन को अप्रोक्सीमेट करना है। न्यूटन कोट्स फैमिली के 3 फार्मूला को हम अपने कोड के अंदर प्लग इन कर देंगे और रिजल्ट्स निकालेंगे। यूजर जो जो फंक्शन देगा उस फंक्शन जो यूजर जो इनपुट देगा फंक्शन देगा लोअर लिमिट देगा अपर लिमिट देगा और हम उसे आंसर निकाल के दे देंगे ट्रेपेज़ॉइडल रूल से भी सिम्पसन 1/3 से भी और सिम्पसन 3/8 से भी। ओके, स्टेप साइज और नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम्स के बीच हमारे पास यहाँ पे रिलेशन है। h हमारा जो स्टेप साइज है वो इक्वल होगा एंड लिमिट माइनस स्टार्ट लिमिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम्स। b एंड लिमिट थी, a स्टार्ट लिमिट थी, डिवाइडेड बाय कैपिटल n हम नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम्स जितने ज्यादा होंगे, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है कैपिटल n डिवीजन में है, तो नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम्स जितने ज्यादा होंगे स्टेप साइज उतना छोटा होगा, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स उतने ही ज्यादा होंगे इंक्रीज होंगे। और नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स और नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम्स के बीच जो रिलेशन है वो यह कि नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हमेशा 1 ज्यादा होगा नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम्स से। इसको इस फिगर से भी देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम 1 2 3 4 ये किसी फंक्शन की कर्व है जिसको अप्रोक्सीमेट करें ट्रेपेज़ियम्स से। 1 2 3 4 ट्रेपेज़ियम्स है लेकिन डेटा पॉइंट्स देखते हैं 1 2 3 4 5 यानी कि 4 ट्रेपेज़ियम्स के लिए हमें 5 डेटा पॉइंट्स चाहिए होंगे। और अगर सिर्फ पहले 2 ट्रेपेज़ियम्स को देखें तो 2 ट्रेपेज़ियम्स हैं लेकिन डेटा पॉइंट 1 2 3, तो डेटा पॉइंट हमेशा 1 ज्यादा होगा नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम्स से। सो इन शॉर्ट अगर हमारे पास n ट्रेपेज़ियम्स हैं तो डेटा पॉइंट्स कैपिटल n प्लस 1 होंगे, जिसमें से एक डेटा पॉइंट हमने जो लोअर लिमिट है उसको भी एग्जॉस्ट कर दिया और लास्ट वाले डेटा पॉइंट जो कि अपर लिमिट है उसको भी एग्जॉस्ट कर दिया, तो n प्लस 1 में से 2 डेटा पॉइंट्स निकाल दिए तो बीच सिर्फ n माइनस 1 डेटा पॉइंट्स रह जाएंगे। न्यूटन कोट्स के सारे फॉर्मूलाज में n माइनस 1 डेटा पॉइंट्स होंगे जिनको हमने एडजस्ट करना है, अगर उसका वेट 2 रख देंगे तो वो ट्रेपेज़ॉइडल रूल है, अगर उनको स्प्लिट कर देंगे ऑड इवन को अलग अलग कर लेंगे और वेट उनके डिफरेंट कर देंगे सिम्पसन 1/3 और इसी तरह सिम्पसन 3/8 रूल बन जाएंगे। तो बेसिकली पहला डेटा पॉइंट जो कि लोअर लिमिट और लास्ट डेटा पॉइंट जो कि अपर लिमिट उसे हम बिल्कुल अलग कर लेते हैं और बीच में n माइनस 1 डेटा पॉइंट्स हैं जिनके साथ हमने प्ले करना है और उनको हमने यूज करते हुए इंटीग्रेशन करनी है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें ये चीज और क्लियर हो जाएगी। ओके, कंप्यूट इंटेग्रल 03 एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब डीएक्स विद एन, कैपिटल एन ये 10 दे रहा है यानी कि ये नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम्स है, 10 ट्रेपेज़ियम यूज करनी है और इसको कंप्यूट करें यूजिंग ट्रेपेज़ॉइडल रूल एंड सिम्पसन 1/3 रूल वेयर एन यहाँ पे भी बता दिया हमने कि कैपिटल एन इज नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम्स।
तो नंबर ऑफ ट्रेपेजियम्स या स्टेप साइज कोई एक चीज लाजमी गिवन होगी, और सॉल्यूशन में हम सबसे पहले स्टेप साइज ही, हमें स्टेप ही निकालना पड़ता है क्योंकि हमने उससे ही आगे मूव करना होता है, अपना टेबल जनरेट करना होता है मैन्युअली जब हम पेपर पे सॉल्व कर रहे हैं, उस केस में बात कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहले हम स्टेप साइज निकाल लेंगे। स्टेप साइज ऐसे निकलेगा, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 0 है, 3 - 0, और नंबर ऑफ ट्रेपेजियम इसमें 10 वो कह रहा है यूज करें, डिवाइड बाय 10 के 0.3 का हमारा स्टेप साइज निकला है। उसके बाद अगला काम हमारा टेबल जनरेट करना है। पहली वैल्यू जिसको हम इस केस में एक्स नॉट भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने फॉर्मूला में ए भी यूज किया फंक्शन की वैल्यू ए पे, तो पहली एक्स नॉट वैल्यू जो होती है वो बेसिकली ए ही होती है, लोअर लिमिट होती है, और वो इस केस में हमारे पास जीरो है। जीरो उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स नॉट क्या होगी, ये फंक्शन की वैल्यू एट ए कह लें, वो क्या होगी यहाँ पे, इस फंक्शन ये वाला हमारा फंक्शन है, ये जो एक्स स्क्वायर और 1 + x², इसमें पुट करते जाएंगे और आंसर लेते जाएंगे। तो फंक्शन की वैल्यू एट जीरो यहाँ से नजर भी आ रहा है, 0/1 जीरो हो जाएगी। ओके, उसके बाद हम जंप ऐड करेंगे, इसमें हम अपना स्टेप साइज ऐड करेंगे। स्टेप साइज 0.3 था, 0 में 0.3 ऐड किया तो आगे हम 0.3 पे आ गए। सो यहां से हमारे डेटा पॉइंट्स अगले स्टार्ट होंगे, जो इंटीरियर डेटा पॉइंट्स है जिनको हमने यूज करना है अपने फॉर्मूलाज में। सो 0 में 0.3 ऐड किया, 0.3, 0.3 में फिर 0.3 ऐड किया, क्योंकि 0.3 हमारा स्टेप साइज है, 0.6, 0.9, 1.2, आगे उससे अगले पॉइंट में 1.5, 1.8, 2.1, 2.4, 2. और ये ऐड करते करते आप देखेंगे लास्ट डेटा पॉइंट हमेशा हमारी अपर लिमिट पे ही आके एंड होगा, और अपर लिमिट हमारी जो कि बी है और एक्सटेंड भी। अब डेटा पॉइंट टोटल काउंट करते हैं, इनको भी कंसिडर करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्योंकि नॉर्थ से स्टार्ट किया तो टोटल डेटा पॉइंट्स 11 है, नंबर ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पे 10 थे, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हमारे पास 11 बने, और इंटीरियर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हमारे पास 9 है। इसको भी अगर निकाल दें और इसको भी निकाल दें, क्योंकि इनके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी अपने फॉर्मूलाज में, ये बिल्कुल सिंपली एज इट इज इन पे फंक्शन की वैल्यूज कंप्यूट करके वो यूज कर लेनी है, और इंटीरियर डेटा पॉइंट्स के साथ कुछ वेट्स डिफरेंट होंगे। सो काम सिर्फ इतना से, आपने स्टेप साइज मालूम करना है, सबसे पहले स्टेप साइज आपका कितना है, स्टेप साइज को यूज करते हुए आपने देख लेना आपने जंप कितना लेना है, वो जंप से आपने मूव करते करते उन सब डेटा पॉइंट से फंक्शन की वैल्यूज, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन की वैल्यूज, ठीक है, ये डेटा पॉइंट्स वाले हमने सिर्फ निकाले हैं, लेकिन इन पे फंक्शन की वैल्यूज हमें चाहिए जो कि हमने उस फॉर्मूला में यूज करनी है। अगर आप अपना यहाँ पे फॉर्मूला, तो ये फंक्शन की वैल्यूज हमें उन पॉइंट्स पे चाहिए, वो पॉइंट्स बेसिकली चाहिए, उन पे फंक्शन की वैल्यूज चाहिए। तो इसी क्वेश्चन को, ये फंक्शन की वैल्यूज हमें सारी मिल चुकी हैं, इनको अब यूज करते हुए हमने आंसर निकाल देना है। ओके, ट्रेपेज़ॉइडल रूल अगर यूज करें तो 0 - 1 x² + 1 + x² dx क्या होगा, ये हमारे पास एच आ गया, एच बाय 2 0.3/2, और यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू एट ए आ गई, वो 0 थी, फंक्शन की वैल्यू एट बी आ गई, ये बिल्कुल एज इट इज साइड पे हो जाएंगी, और अंदर वाली जो फंक्शन की इंटीरियर डेटा पॉइंट्स उन सबका सम किया तो ये आया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और ये फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया। सिम्पसन 1/3 रूल किया तो जो ऑड थे उनको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो इवन थे यहाँ पे मैंने लिखे नहीं है सम करके, उनको सम कर देंगे। बेसिकली ये फंक्शन की वैल्यूज चाहिए थी, और उसके बाद अब हमने इनका सम वगैरह करके और वेट्स देखते हुए इनको यूज करने और अपना आंसर निकाल लेना। सो अब हम अपने कोड की तरफ मूव करते हैं, और कोडिंग हम सेकंड केस के लिए कर रहे हैं जिसमें हमारे पास फंक्शन मालूम होगा, और अब देखते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। किसी एक फॉर्मूला को देख लेते हैं, मैटलैब ओपन कर लेते हैं, न्यू स्क्रिप्ट फाइल आ गई। ओके, इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहली चीज हमारा फंक्शन होगा, ये भी हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, इंटर फंक्शन। ओके, फंक्शन हमें मिल जाएगा, और दूसरी चीज स्टेप साइज या नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम में से एक चीज चाहिए हमें, ठीक है, तो बेसिकली ज्यादातर नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम्स देने में इंटरेस्टेड होते हैं यूजर, एंटर नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम्स।
फंक्शन मिल गया है, नंबर ऑफ ट्रेपेजियम मिल गए हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट चाहिए, बस ये हमारी इनपुट्स होंगी और उसके बाद हमने प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ओके, ए में ही ले लेते हैं, एंटर लोअर लिमिट, और बी में ले लेते हैं एंटर अपर लिमिट। ओके, ये तो हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए जो इनपुट ले लिए। इस क्वेश्चन में भी देखें तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, स्टेप साइज निकाला। ठीक है, तो स्टेप साइज हम निकाल लेंगे यहां से बी माइनस ए डिवाइडेड बाय कैपिटल एन से, ये हमारे पास आ जाएगा स्टेप साइज। ओके, स्टेप साइज हमारे पास आ गया। अब अगर हम इस फॉर्मूला की तरफ देखें तो हमारा कंसर्न बेसिकली ये इंटरनल डेटा पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ट्रेपेज़ॉइडल केस के ट्रेपेज़ॉइडल रूल के केस में बस उन इंटरनल डेटा पॉइंट्स का सम करना है, सारे डेटा पॉइंट जो इंटरनल सारे डेटा पॉइंट्स उनका सम करके हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो इंटरनल डेटा पॉइंट्स को अगर देखें तो सबसे पहले क्योंकि हमने उनका सम करना है तो एक हेल्पिंग वेरिएबल ले लेते हैं सम के नाम से, जिसको 0 से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और लूप लगाते हैं आई इज इक्वल टू 1 से लेके कैपिटल एन माइनस 1 तक। और लूप में हम कहते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस फंक्शन की वैल्यू एट लोअर लिमिट क्या थी ए प्लस आई स्टेरिक एच। ओके, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू ए हमारी लोअर लिमिट है प्लस आई लूप जब चलेगा आई 1 के लिए आई स्टेरिक स्टेप साइज। ठीक है, 1 इंटू स्टेप साइज, तो ये इस केस के लिए अगर देखें तो स्टेप साइज हमारा 0.3 है, 0.3 इंटू 1 मीन्स 0.3 ए लोअर लिमिट, फंक्शन की वैल्यू 0.3 पे कंप्यूट होगी। अच्छा, अगर आई 2 के लिए चलेगा उस केस में फंक्शन की वैल्यू 2 स्टेरिक एच यानी के 2 टाइम्स एच हो जाएगी और वो 0.3 इंटू 2 0.6 बन जाएगी, फिर 3 स्टेरिक एच 0.9 1.2 इसी तरह। सो ये चीज हमारी फंक्शन की वैल्यूज कंप्यूट करेगी जो इंटरनल डेटा पॉइंट्स हैं और उन सब वैल्यूज को सम भी करती जाएगी साथ साथ, क्योंकि हमने इस पे पिछले सम के अंदर से इसको भी सम करी जा रहे हैं। सो एट द एंड ये इंटरनल डेटा पॉइंट्स का सम निकाल देगी। सो मेन प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया, इंटरनल डेटा पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज भी निकाल ली और उनका सम भी कर लिया। इसी छोटे से लूप ने हमारा ये काम कर दिया कि फंक्शन की वैल्यूज निकाल के और उनका सम भी कर लिया, बेसिकली ये सारा परफॉर्म कर लिया, सिर्फ उसके साथ अब वेट टू मल्टीप्लाई करना है तो ट्रेपेज़ॉइडल रूल बन जाएगा। सो यहाँ पे हम टी आर के अंदर इसका रिजल्ट फाइनल स्टोर करवाते हैं ट्रेपेज़ॉइडल रूल का, वो एच डिवाइडेड बाई 2 ये फॉर्मूला का है, एच डिवाइडेड बाई 2 स्टैटिक। ओके, फंक्शन की वैल्यू एट ए, सबसे स्टैटिक होना, फंक्शन की वैल्यू एट ए प्लस 2 टाइम्स, ये जो सारी चीज है ये सम जो है ये बेसिकली ये सब कंप्यूट हो चुका है, सम भी हो चुका है, तो इसके साथ सिर्फ 2 का वेट असाइन करना था, 2 वेट असाइन करके इसके साथ सम के अंदर वो सब कुछ पड़ा हुआ है और प्लस कर दिया हमने फंक्शन की वैल्यू फाइनल जो है वो बी है, तो इसमें हमारा ट्रेपेज़ॉइडल रूल का रिजल्ट आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं एफ प्रिंट एफ करवा देता हूँ।
result using trapezoidal rule is percentage 6 dB तक इस रिजल्ट को फिक्स कर देते हैं और इसके बाद लाइन भी चेंज कर देते हैं। और रिजल्ट हमारा इस टाइम टी आर के अंदर पड़ा हुआ है। इसको रन करते हैं, सेव कर लेते हैं। न्यूटन इंटीग्रेशन ओके, कोड रन हो गया। इंटर फंक्शन, फंक्शन हम वही ऐड कर लेते हैं जो हमारी क्वेश्चन में था, एक्स स्क्वायर ओवर वन ओवर है, क्योंकि वो फंक्शन इनपुट देने का मैंने लास्ट टाइम भी आपको तरीका बताया था, फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेंशन करना जरूरी होता है। तो फंक्शन एट द रेट ऑफ एक्स है डिवाइडेड बाय क्यूब, और इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं। ये हमारा फंक्शन है, नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम हम 10 यूज कर रहे हैं, उसमें लोअर लिमिट हमारी 0 है, अपर लिमिट हमारी 3 है। तो रिजल्ट यूजिंग ट्रेपेज़ियम 1.110021, यहाँ पे 6 dB तक फिक्स किया है और वहाँ 4 dB तक 1.1100 ही था। सो ये कोड हमारा ट्रेपेज़ियम रूल के लिए बिल्कुल ठीक रिजल्ट दे रहा है। सो अब इसमें हम सिम्पसन रूल को भी ऐड करते हैं। ओके, सिम्पसन रूल को अगर देखें तो सिम्पसन रूल में हमारे पास, सिम्पसन रूल के फॉर्मूला को देखें तो ऑड सम भी अलग से चल रहा होता है और इवन सम का वेट डिफरेंट होता है, ऑड सम का जो वेट है वो डिफरेंट होता है। तो इधर हम दो लूप चलाएंगे, एक इवन सम कैलकुलेट करने के लिए और एक ऑड सम कैलकुलेट करने के लिए। सो सबसे पहले ऑड सम कर लेते हैं। ऑड सम एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसको जीरो से इनिशियलाइज कर लेता हूँ। लूप लगाऊंगा फॉर आई इज इक्वल टू, ऑड सम वन से स्टार्ट होगा, अब टू को स्किप करेगा तो इसका मतलब वो दो का जंप ले रहा है। तो इस लूप का मैं जंप जो है वो बाय डिफॉल्ट स्टेप जो है वो टू डिफाइन कर रहा हूँ और ये एन माइनस वन तक जाएगा। इसी तरह अगर मैं इवन सम को देखूं, उसको भी जीरो से इनिशियलाइज करता हूं और फॉर आई इज इक्वल टू, क्योंकि इवन सम जो है वो पहला जो उसका वो है वो टू है, पहला जो डेटा पॉइंट है वो टू है, एक्स टू है। सो वो टू से स्टार्ट होगा, टू का जंप लेगा और वो एंड होगा एन माइनस टू पे, फॉर्मूला में भी आप देख सकते हैं। और इस लूप को भी एंड कर देते हैं। ओके, ऑड सम के केस में ऑड सम इज इक्वल टू ऑड सम प्लस सेम उसी तरह फंक्शन की वैल्यू अब हो जाएगी, अच्छा इनको डिफरेंट कर देते हैं वेरिएबल्स को, लूप वेरिएबल को जे कर देते हैं और इसको के कर देते हैं। ए प्लस इस केस में जे है, जे स्टेरिक एच हो गया और इधर इवन सम इज इक्वल टू इवन सम प्लस फंक्शन की वैल्यू ए प्लस के स्टेरिक एच। सो इवन डेटा पॉइंट्स का सम भी आ गया हमारे पास और ऑड डेटा पॉइंट्स का भी सम आ गया। अब सिंपली हमें सिम्पसन का फॉर्मूला लगाना है, सिम इज इक्वल टू बाय रो देगा एच डिवाइडेड बाय थ्री स्टेरिक
अंदर जो है पहला तो वो फंक्शन की वैल्यू एट लोअर लिमिट हो जाएगी, और जो ऑड मल्टीपल है उनको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑड का सम जो है वो ऑड सम में पड़ा हुआ है, और जो इवन है उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो इवन सम के अंदर पड़ा हुआ है, और लास्ट में फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी बी पे, और ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा एच बाई थ्री से। फॉर्मूले को दोबारा देख लेते हैं, एच बाई थ्री फंक्शन की वैल्यू ए, फंक्शन की वैल्यू बी लास्ट पे आ गया, और ऑड जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इवन जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो ये हमारे पास सिम के अंदर स्टोर हो गया सिम्पसन 1/3 रूल लगा के, और इस रिजल्ट को भी हम एफ प्रिंट एफ कर लेते हैं, रिजल्ट यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल इज, और ये पड़ा हुआ है सिम के अंदर। ओके, अब कोड को रन करते हैं, फंक्शन वही दे दिया, नंबर ऑफ ट्रेपेजियम 10, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, ओके ट्रेपेजियल रूल 1.1100 21 और 1.1105, और अपने नोट्स को भी देख लेते हैं, तो सिम्पसन 1/3 से 1.1105 था। और मैं हमेशा से बताता हूँ कि कोडिंग करने का कोई एक मेथड नहीं होता, आपको जिस तरह से समझ आती है आप उस तरह से अप्रोच करते हैं। और अब हम लास्ट अपना सिम्पसन 3/8 रूल का भी यहाँ पे प्लग इन कर लेते हैं। ऑफ कोर्स इस कोड को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आपको ये जरूरी नहीं है कि आप सबसे रिजल्ट शो करवाएं सब रूल से, आप ये यूजर से इनपुट ले लेंगे उसने ट्रेपेज़ॉइडल रूल यूज करना है सिम्पसन 1/3 करना है, लेकिन मैं इसको जनरली बस सब रूल्स तीनों, क्योंकि हमारे पास इस टाइम न्यूटन कोर्स फैमिली के सिर्फ 3 रूल्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं तीनों से उसको रिजल्ट शो कर रहा हूँ ताकि उसे पता लग जाए कि कौन से फॉर्मूला को यूज करके कितना बेटर रिजल्ट आ रहा है। सो अब सिम्पसन 3/8 रूल रह गया है, सिम्पसन 3/8 का सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके फॉर्मूले में देखें तो एक वो वाले सम है जिन जो 3 के मल्टीपल नहीं है, और एक वो वाले सम है जो 3 के मल्टीपल हैं, तो हम इसमें पहले वो वालों का सम कर लेते हैं जो 3 के मल्टीपल हैं, उसको सम 3 में स्टोर करवा लेते हैं, 0 से इनिशियलाइज करवा लेते हैं, और लूप लग जाएगा फॉर के एल से लगा लेते हैं, 3 से स्टार्ट होगा क्योंकि 3 के मल्टीपल हैं, और 3 का जंप लेगा क्योंकि हर 3 के बाद 3 का मल्टीपल आता है, और टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इंटीरियर डेटा पॉइंट्स एन माइनस 1 है। सो यहाँ पे सम 3 हमारे पास इक्वल हो जाएगा सम 3 प्लस फंक्शन की वैल्यू एट ए प्लस एल स्टेरिक एच, तो सम 3 के अंदर हमारे पास वो वाला सम स्टोर हो गया जो सारे 3 के मल्टीपल थे। अब वो निकालने जो 3 के मल्टीपल नहीं है उसके लिए सबसे पहले हम टोटल सम निकाल लेते हैं, कि सारे डेटा पॉइंट्स का सम निकाल लेते हैं, कैपिटल एसक्यूएम में स्टोर करवा लेते हैं, और इसका लूप चल जाएगा फॉर एम इज इक्वल टू सारे डेटा पॉइंट्स का सम निकाल लेते हैं और फिर उसको उसमें से माइनस कर देंगे, फॉर एम इज इक्वल टू 1 to n-1 सारे डेटा पॉइंट्स का सम आ रहा है जिस तरह ट्रेपेज़ॉइडल रूल में सम निकाला था, सम इज इक्वल टू सम प्लस फंक्शन की वैल्यू एट ए प्लस एम स्टेरिक एच। ओके, अब इससे हमने निकालना है वो डेटा पॉइंट्स का सम जो 3 के मल्टीपल नहीं है, सम नॉट 3 में से कह देता हूँ, सम नॉट 3 इज इक्वल टू कैपिटल सम में सारे डेटा पॉइंट्स का सम है, उसमें से अगर वो डेटा पॉइंट्स निकाल दें जिनका मल्टीपल 3 थे उनका सम अगर निकाल दें तो पीछे ऑब्वियसली वही डेटा पॉइंट्स बचेंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं है, उनका सम बचेगा बेसिकली, तो उसी के सम से हमें गर्ल्स है।
तो ये सम नॉट में आ गया। और अब हम अपना सिम्पसन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सिम्पसन 3838 बोल देते हैं इस तरह। सिम्पसन 3 8 इज इक्वल टू फॉर्मूला है 3 स्टेरिक h/8, और ये सब स्टेरिक हो रहा है किससे? फंक्शन की वैल्यू एट लोअर लिमिट प्लस वो जो 3 के मल्टीपल नहीं है वो 3 से मल्टीप्लाई होंगे। तो सम 3 से मल्टीप्लाई होंगे, सम नॉट 3 के अंदर वो सारा सम पड़ा है जो 3 के मल्टीपल नहीं है, और 2 से मल्टीप्लाई होंगे जो 3 के मल्टीपल हैं वो सम 3 में उनका सम पड़ा हुआ है। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू, सॉरी प्लस हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू एट b, और ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। और इसको भी खूबसूरत बना देते हैं प्रिंट एफ यूज करके। एफ प्रिंट एफ आ गई, रिजल्ट यूजिंग सिम्पसन 3 8 रूल इज, जो कि पड़ा हुआ है सिम 3 8 में इसका रिजल्ट पड़ा। ओके, कोड को रन करते हैं। फंक्शन वही एंटर किया, नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम 10, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3। ओके, ट्रेपेज़ॉइडल रूल से ये रिजल्ट है, सिम्पसन रूल से ये रिजल्ट है, और सिम्पसन 1/3 से ये, और सिम्पसन 3 8 से ये है। ओके, अब अपने इस कोड को हम टेस्ट करते हैं उस फंक्शन का इंटीग्रल निकालने के लिए जो कि इम्पॉसिबल टू इंटीग्रेट थे। तो चेक करते हैं हमारा वो फंक्शन, एरर फंक्शन जो था, जो सबसे स्टार्ट में हमने लिखा ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो ई रेज टू द एक्सपोनेंशियल हम मैटलैब में इस तरह से लिखते हैं, ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर हो गया, एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन है, नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम इसमें 10 रखते हैं, लोअर लिमिट 0 रखते हैं, अपर लिमिट 1 रखते हैं, और यहाँ से रिजल्ट देखते हैं 1.4671। अच्छा, अब ये कैसे पता लगेगा कि ये रिजल्ट हमारे ठीक हैं या नहीं? तो इसके लिए मैंने ऑनलाइन इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर एक ओपन किया है, और जिसमें मैंने 0 to 1 e की पावर x² को इंटीग्रेट किया। तो जब इसे इंटीग्रेट किया तो रिजल्ट हमारे पास आया 1.462651। अभी हमारा जो रिजल्ट है यहाँ पे मैटलैब में है वो अप टू 4 dp तक ठीक दे रहा है, और सिम्पसन 1/3 रूल थोड़ा बेटर रिजल्ट दे रहा है। और अगर स्टार्ट में मैंने बताया था नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम बढ़ाएंगे रिजल्ट उतना अच्छा होगा। सो इसी केस में हम फंक्शन यही रखते हैं, नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम 10 की बजाय 100 कर रहा हूँ। ठीक है, लोअर लिमिट वही, अपर लिमिट वही। अब रिजल्ट आया 1.462697, और अपना उधर से रिजल्ट देखते हैं तो 1.462644 dp तक हमारा बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आया। सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूजिंग न्यूटन कोट्स फैमिली इज डन, और अगली वीडियो में हम गॉसियन क्वाड्रेचर फैमिली को यूज करते हुए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे और उसका कोड डिवेलप करेंगे। थैंक यू सो मच।